नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि उनका मन उब गया है फ्रॉम सोशल मीडिया एंड शायद वो एक सबैटल ले रहे हैं फ्रॉम द फोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब ये देख के हमारे देश के जो लिबरल्स और सेक्युलर्स थे वो बहुत खुश हो गए क्योंकि वो अपना नैरेटिव फैलाने लगे कि कैसे हेट्रेड फैलाने वाले नरेंद्र मोदी जी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं। उनमें से एक सेक्युलर थी पूजा बेदी। जी हाँ, पूजा बेदी एक यस्टर ईयर की एक्ट्रेस है, वो काफ़ी एज में ज़्यादा है और दिखती भी है एज में ज़्यादा। उन्होंने ऑब्वियसली जन्म लिया इन द फैमिली ऑफ कबीर बेदी और उनकी मदर थी प्रतिमा बेदी। नाउ प्रतिमा बेदी इज नोन फॉर रनिंग नेकेड ऑन जुहू बीच या चौपाटी बीच सो दैट शी कैन टेल वुमेन दैट शी इज अ फ्री वुमन। जी हाँ, तो पूजा बेदी उस घराने से आती हैं जहाँ पर उनकी मदर नेकेड यानी नंगी दौड़ी थी बीच के ऊपर, जुहू के बीच के ऊपर, मुंबई के कोई बीच के ऊपर, दुनिया में ये संदेश देने के लिए कि भारतीय नारी कितनी आज़ाद है। मगर दूसरी ओर ऑब्वियसली उनकी बेटी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अब लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं इनडायरेक्टली बाय ऑब्वियसली टेलिंग कि वो सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं सो दैट वो लोगों से सोशल मीडिया छुड़वाना चाहते हैं। तो ये पूजा बेदी को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी मदर जो इतनी बड़ी एग्जाम्पल थी ऑफ फ्रीडम, उनके बारे में सोनम कपूर के क्या विचार होंगे क्योंकि सोनम कपूर ने अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कोई बाजार मैगजीन में ये कमेंट दिया है कि वो उस देश से है जिस देश के अंदर विमेन को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। तो सोनम कपूर के क्या विचार होंगे जब उनको ऑब्वियसली पता चला होगा कि आपकी मदर प्रतिमा बेदी अपने टाइम में नंगी दौड़ी थी जुहू के कोई बीच के ऊपर। और दूसरी ओर जायरा वसीम ने अपना फलता फूलता बॉलीवुड करियर छोड़ा क्योंकि उनको लगा था कि वो अगर अल्लाह से क्लोज होना चाहती है तो उनको बॉलीवुड में काम करना बंद करना पड़ेगा। मगर सोनम कपूर ने ऐसा अपना कोई विचार इन दो टॉपिक्स के ऊपर कभी नहीं रखा। मगर जब वो बाजार के कवर में आई तब उसको कोई सनसनी बयान देना था, तब उसने ये बयान दिया कि वो उस देश से आती है जिस देश के अंदर विमेन को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। तो ये है सोनम कपूर आपके लिए और ये है लिबरल्स आपके लिए। पूजा बेदी भी एक फेमिनिस्ट है, लिबरल है, सेक्युलर है। सोनम कपूर भी एक फेमिनिस्ट है, लिबरल है, सेक्युलर है। मगर ऑब्वियसली ये लोग जायरा वसीम के ऊपर कभी बातचीत नहीं करेंगे, ये लोग प्रतिमा बेदी के ऊपर कभी बातचीत नहीं करेंगे। मगर अपना फायदा दिखे तो ऑब्वियसली भारत की नारी को सेकंड क्लास सिटीजन करके प्रमोट करेंगे कहां, सऊदी अरेबिया में, इस्लामिक कंट्रीज में जहां पे औरतों का तो कोई वजूद ही नहीं है। हिजाब के बिना औरत तो बाहर रोड पर नहीं निकल सकती, डांस तो दूर, वो इनफैक्ट अपने बाल भी खुले नहीं रख सकती है। तो ये कंट्रीज के अंदर, इन कंट्रीज के मैगजीन्स के कवर पे आने के लिए सोनम कपूर भारतीय नारी को बदनाम कर रही है। अब पूजा बेदी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूजा बेदी, आई इंटरैक्टेड विद यू लिटिल बिट जब बिग बॉस का फिनाले, बिग बॉस में एविक्शन राउंड के बाद आप क्वेश्चन आंसर करते थे एंड आई फाउंड यू अ वेरी विशियस लेडी। जी हाँ, आप एक विशियस औरत हैं। मगर आज मैं आपकी विशियसनेस बताना चाहती हूँ क्योंकि आप डीमोनेटाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं विद पीएम मोदी चॉइस टू बी ऑन सोशल मीडिया और नॉट। पीएम मोदी भी एक इंसान है, उनकी भी चॉइस है, उनका भी राइट है, चाहे आपको वो राइट पसंद आए या नहीं आए। उन्होंने ऑब्वियसली आपको फोर्स नहीं किया कि आप सोशल मीडिया पे रहिए या नहीं रहिए, बट ही हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट तोड़ा मोड़ा, उस तरह से आपने ऑब्वियसली अपने जीवन के अंदर बहुत सारे नैरेटिव्स तोड़े मोड़े होंगे टू सूट योरसेल्फ। इसलिए पूजा बेदी ने आरोप भी लगाया था कभी, आई थिंक ऑन आदित्य पंचोली, दैट ही रेप्ड हर मेड व्हेन ही वॉज डेटिंग हर। अब मुझे नहीं पता कि ये उनका आरोप सही था या गलत, बिकॉज पूजा बेदी इस तरह से नैरेटिव को तोड़ती है, मोड़ती है अपने फायदे के लिए और न्यूज में रहने के लिए। आगे बात करते हैं। आगे सोनम कपूर को पेटा ने वीगन अवार्ड दिया, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि थोड़े सालों के बाद सोनम कपूर लैम्ब बिरयानी प्रमोट कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जो बन रही थी। मगर सोशल मीडिया के ज़माने में उसकी हिपोक्रेसी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी और लोगों तक आएगी क्योंकि सोनम कपूर एक बहुत ज़्यादा विशियस औरत है। वो मोदी जी के सपोर्टर्स को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कहकर पुकारती है और उनको ट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि
वो ऑब्वियसली मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझना चाहती हूँ कि आप सोनम कपूर हाथ जोड़कर भिखारी बनके क्यों गई थी मोदी जी को मिलने, जब आपको शायद वो फ्री में ऐड करना पड़ा फॉर महात्मा गांधी। व्हाई डिड यू लुक सो डेस्परेट टू एक्ट इन दैट एड, अगर आप मोदी जी से इतनी नफरत करती हैं, क्योंकि आप बार बार मोदी जी को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट करके पुकारती हैं और आपके फादर तलवे चाटते हैं अनुपम खेर के फॉर काइंड ऑफ गेटिंग सम फेवर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ सोनम कपूर उफ फेमिनिस्ट, पूजा बेदी उफ फेमिनिस्ट, क्योंकि ये लोग अपने अपने घरों में झांक कर नहीं देखते कि क्या उनके घरों में प्रॉब्लम है, मगर ऑब्वियसली उनको भाषण देना है सोशल मीडिया पर टू बी लाइक होलियर देन दाउ, जबकि हम सबको पता है कि सोशल मीडिया के जमाने में इनका छल कपट पकड़ा जाएगा। इसके बाद बात करना चाहिए या ना चाहिए, बट हुमा कुरैशी, कोई कृतिका कामरा, कोई सयानी गुप्ता, ये सब औरतें हैं जो ऑब्वियसली प्रो सीए को एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट करके फैलाने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं इनको कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं इनको इतना जानती भी नहीं हूँ, मगर इनके ट्वीट्स मेरे को फॉरवर्ड किए गए थे, मैंने पढ़ा, मैंने इनको डिलीट कर दिया, मगर ऑब्वियसली इनका मैं स्पेसिफिकेशन अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनके फैंस हैं शायद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये लोग ऑब्वियसली बिके हुए स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में, और काम मांगने के लिए उनको हिंदू फोबिया दिखाना पड़ता है और इसलिए वो ऐसे ट्वीट्स करते हैं। इनको ना सीए का फुल फॉर्म पता है, इनको ना एनआरसी का फुल फॉर्म पता है, इनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे देश का पहला प्रेसिडेंट कौन था, कर्टसी आलिया भट्ट। तो ये लोग आपको क्या बताएंगे कि प्रो सीए एंटी मुस्लिम है या एंटी हिंदू है, इनको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन से स्कूल या कॉलेज से पढ़कर आए थे। नमस्कार।